अभी हम आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं हमारे पीछे है, जो कि काफी गजब का लग रहा है। जस्ट आरती खत्म हुई है इसके जगह और भी ज्यादा यहाँ पे भीड़ जमी हुई है और चारों तरफ सिर्फ ट्रैफिक ही है। सामने देखो क्या ही क्राउड है, अभी सब यहाँ से निकल रहे हैं जितने भी हैं, सभी घाट से अभी सभी लोग निकलते हैं। तो फाइनली गाइस हमने खाना खा लिया, देख सकते हैं यहाँ के क्राउड काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। इधर देखो उधर आदमी चल रहा है। अभी जस्ट आरती ख़त्म हुई है उसके जगह और भी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ जमी हुई है और चारों तरफ सिर्फ ट्रैफिक ही है। गाइस हम निकल चुके हैं खाना खाने के लिए और यह रहा बनारस, और आज रात में यहीं रुकना है, फिर कल इधर से निकल जाना है। और हमारे साथ एक भैया है जिन्होंने रूम वगैरह जो भी था उन्होंने दिलाया, और अभी उन्हीं के साथ जा रहे हैं, कुछ खा पी लेते हैं उसका फिर डायरेक्ट रूम पे। अभी हम लोग खाने वाले हैं बिरयानी जो कि 120 रुपये है, और ये भैया है हमारे साथ जी, जिनके साथ मैं अभी रूम पे रह रहा हूँ, और फिर कल इधर से निकलना है। फिलहाल अभी के लिए बस यहाँ पे बिरयानी खाते हैं और फिर बिनते हैं बनारस से रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। तो फिलहाल गाइस हमने मेरा बिरयानी आ चुका है और अभी हम खा के मिलते हैं डायरेक्ट बनारस के रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें और इसको दबा के निकलते हैं। अभी हम आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं हमारे पीछे है, जो कि काफ़ी गजब का लग रहा है और इसको काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे, जैसे हम लोग हम आपको सामने वाले कैमरे से दिखाते हैं जो कि काफ़ी गजब का दिखने में लगता है, दिखाते हैं एक मिनट। ये देख सकते हो, और ये लाइट देखो चेंज होती रहती है, ये हर एक 2-3 मिनट पे लाइट हरदम चेंज होती रहती है। और भाई साहब यार क्या ही गजब का रेलवे स्टेशन है ये। तो गाइस आज यहीं रुकने वाले हैं, कल इधर से निकलेंगे, और कल हमारा टारगेट है कि जितना भी घाट है सभी का मंदिर घुमा जाए अच्छे से। और आज और देख सकते हैं आप लोग बनारस का व्यू बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा, और देख सकते हो हर एक थोड़ी थोड़ी देर पे यहाँ पे कलर भी चेंज हो रही है, आप लोग को दिख रहा होगा जैसे कि, और काफ़ी गजब का व्यू है इधर। और यहाँ पे देख सकते हो तिरंगा हमारा लहरा रहा है, ये देखो मेरा तिरंगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये बगल से व्यू रहा, और ये ऊपर में लिखा हुआ है बनारस, और यही है बनारस हमारा, जो कि बहुत ही गजब लगता है। इसका कलर जो है हर एक 2-3 मिनट पे चेंज होते रहता है, अभी देख सकते हैं ब्लू है और थोड़ी देर में वाइट होगा, ग्रीन होगा, ऐसे कुछ इसका कलर चेंज होते रहता है यहाँ पे देख सकते आप लोग, और काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसका कलर थोड़ी देर में अब चेंज हो गए, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, जल्दी चेंज हो जाए। और वो देखो ये देखो ये देखो कलर चेंज हो गया, अभी तिरंगा का कलर है, बहुत ही गजब लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग।
आप लोगों को सामने वाले कैंपस से दिखाते हैं तिरंगा कलर काफी मस्त लग रहा है ये देखो भाई साहब। ये कलर बहुत मुश्किल से अभी आया है कहाँ ना कहाँ से, मुझे भी नहीं मालूम कैसे आया, बट जो भी है बहुत ही मस्त लग रहा है भाई साहब। ओ भाई साहब क्या ही व्यू। जस्ट सामने आपको बनारस की जस्ट सामने आपको जो दिख जाएगा, आई लव बनारस जी हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है बनारस। मैंने दो एक ही दिन रहा बट काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं, तो ब्लॉग को कंटिन्यू रखें और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और कल का भी स्टार्ट होगा। कल हम लोग पूरे घाट को एक्सप्लोर करने वाले अच्छे से वो भी, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहे।